हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बलून दिखाने वाला हूँ। ठीक है, बलून मॉडलिंग। फिर सबसे पहले हम बॉक्स लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बाद में लेफ्ट व्यू में जाना है हमें। विंडो बड़ी कर लेंगे। क्या करना है आपको, मॉडिफाई इसमें जाना है, एम प्रेस करना है मैश स्मूथ के लिए। बाद में इसको मैश स्मूथ को राइट क्लिक करना है और कॉल स्पेस ऑल पे क्लिक करना है और एस करना है बाद में। ठीक है फ्रेंड्स, बाद में हमें सॉरी मॉडिफाई लिस्ट में जाना है वापस। एस प्रेस करना है और ये दिख रहा है आपको सिमेट्री, इसके ऊपर क्लिक करना है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, बाद में आपको वर्टेक्स के ऊपर क्लिक करना है और ये जो दिख रहा है आपको शो एंड रिजल्ट ऑन ऑफ, उसको ऑन करना है आपको। तो क्या होगा, लेफ्ट वाला व्यू हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली राइट वाला सिलेक्ट हो जाएगा। अभी सिलेक्ट नहीं हुआ है क्योंकि हमने सिमेट्री पे ऊपर क्लिक करना है वापस और वाई पे क्लिक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, बाद में वापस वर्टेक्स पे क्लिक करना है, दोनों को सिलेक्ट किया करना है हमें और ऊपर की तरफ खींचना है। देखो ऑटोमेटिकली राइट वाला भी मूव हो रहा है जैसे लेफ्ट वाला हो रहा है। ठीक है, देखो देखो ये ऑन चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, 12 ऑन ऑफ चाहिए। ठीक है, अभी हार्ट शेप बनाना है हमें, बाद में ये दोनों पॉइंट। बाद में ये दोनों पॉइंट ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखते हैं। वापिस सिमेट्री के ऊपर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है हमें और कॉल स्पेस ऑल पे क्लिक करना है और एस करना है। ठीक है फ्रेंड्स, एक वन मिनट, कंट्रोल जेड कर लिया मैंने वापस। एडिटेबल पॉली पे क्लिक करो। कॉल स्पेस ऑल पे क्लिक करो और एस करना है हमें। ठीक है फ्रेंड्स, बाद में आपको वापस मैश स्मूथ पे ऊपर क्लिक करना है, एम प्रेस करना है। ये देखो क्लिक करना है, बाद में आपको इंटरेशन दिख रहा है आपको, सब डिविजन अमाउंट पे वैल्यू 3 तक बढ़ाना है। ठीक है, पी प्रेस करना है पर्सपेक्टिव में से। ये देखो अपना हार्ट शेप तैयार हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है और आपको स्मूथ चाहिए तो वापस आपको क्या करना पड़ेगा, एडिटेबल पॉली पे रहना है, वर्टेक्स इसको से खींचना पड़ेगा, इसको भी नीचे वापस देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपना हार्ट शेप तैयार हो गया। अभी क्या करना है हमें, एक हार्ट शेप में तैयार कर दिया मैंने पहले से ही। ये देखो इसको मुझे इनपुट एक्सपोर्ट करना है। देखो मुझे इधर इंपोर्ट करना है उस हार्ट शेप को। बर्थडे जैसे बर्थडे बलून कैसे होते हैं वैसे बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स,
जैसे बर्थडे स्टेज में लगते बलून वैसे। अभी क्या करना है, डेस्कटॉप पे जाना है, जहाँ मैंने ऑटोकैड से हार्ट बना के रखा है उसको इधर इंपोर्ट करना है, ओपन करना है। कलर ही रखना है, लेयर जो मैंने एच नाम दे के रखा है बस, और ओपन करना है, ओके करना है। देखो फ्रेंड्स इधर आ गया वो, ये नहीं, हाँ ये ठीक है आ गया। अब क्या करना है मुझे, उसको स्केल करना है क्योंकि अपना हार्ट बहुत बड़ा है ना, रोटेट करना है 90 एंगल में। ठीक है फ्रेंड्स, हार्ट को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ स्केल से। ठीक है फ्रेंड्स, अभी क्या करना है मुझे, ये हार्ट शेप, इस जो हार्ट शेप बनाया है मैंने उसके बराबर लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक मैं कहना ही कमांड बता देता हूँ आपको आज, मोशन, ये देखो इधर है। लेकिन सबसे पहले मुझे हार्ट शेप के अलग अलग टेक्सचर चाहिए, मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ टेक्सचर देने के लिए। और दो कर लेता हूँ कॉपी, टू कर लेता हूँ ले, तो टू आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एम प्रेस करता हूँ मैं मटेरियल के लिए, शॉर्टकट की कमांड। ठीक है, मेरे को मैंने पहले से ही टेक्सचर डाउनलोड कर लिए थे, ठीक है, ताकि आपका वर्क खराब ना हो। सॉरी फ्रेंड्स, जरा लैपटॉप हैंग हो रहा है। ठीक है, ये देखो मैं अभी ये टेक्सचर दे देता हूँ, बलून का टेक्सचर। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखो आ गया बराबर। अभी इसको एडजस्ट करना है, तो हमें क्या करना है, मॉडिफाई लिस्ट में जाना है, यू प्रेस करना है, UVW मैप। ठीक है फ्रेंड्स, अभी जो चाहिए शेप में आप ले सकते। ठीक है फ्रेंड्स, देखो ये बड़ा होने लग रहा है, तो सिलेंडर लेता हूँ। एक मिनट, वापस UVW मैप। ठीक है, ये रख लेते हैं, बाद में ये ले लेता हूं मैं। ये भी वही है, तो दूसरा ले लेता हूँ ब्लू। इसको भी UVW कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके लिए ये,
आप चाहे तो UVW कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं, आपके ऊपर है फ्रेंड्स। बाद में ये दे देते ठीक है फ्रेंड्स। UAW ये ऐसे टेक्सचर आपको गूगल में से मिल सकते हैं ठीक है। बलून टेक्सचर करके डालो सब आ जाएंगे। आपको और टेक्सचर हम दे सकते हैं इसको, आपको चाहिए तो दे सकते हैं इधर। देखो इधर से ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या करना है हमें, मोशन से इधर हमें ये पाथ को पिक करना है। सबसे पहले मैं रेड वाला बलून उठाता हूँ और मोशन पे क्लिक करना है हमें। ध्यान से देखो ये नई कमांड है, इंपॉर्टेंट कमांड है ठीक है फ्रेंड्स। अभी क्या करना है, असाइन कंट्रोलर पे क्लिक करना है, ये पोजीशन पे क्लिक करना है आपको XYZ। बाद में ये क्लिक हुई इधर असाइन कंट्रोल पे क्लिक करना है, जो टिक करके दिख रहा है सिंबल उसके ऊपर क्लिक करना है आपको। बाद में इधर आपको पार्ट कंसल्टेंट दिख रहा है ठीक है, नीचे जाना है आपको, ऐड पार्ट पे क्लिक करना है और जो हार्ड शेप दिख रहा है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है आपको। ये देखो लगा बराबर, ये देखो आपको जहां रखना है उधर रख सकते हो, वो बराबर पार्ट के ऐसे इधर ही घूमेगा वो। ये देखो, ये देखो ऐसे करके सब लगाना है आपको। ये देखो वापस दिखाता हूं मैं, मोशन पे क्लिक करना है दोस्तों। एक साथ नहीं होगा ठीक है फ्रेंड्स, नहीं तो आपको लगेगा एक साथ क्लिक किया तो ये देखो क्या होता है, वो ऑप्शन ही नहीं दिखता ठीक है फ्रेंड्स। वापस पोजीशन क्लिक, पार्ट कंसल्टेंट ओपन ओके, वापिस एड पाथ किधर गया, वापिस करता हूं एड पाथ और वापिस हार्ट के शेप पर क्लिक करना है आपको ठीक है फ्रेंड्स। ये देखो ठीक है फ्रेंड्स, ये कमांड आपको समझ में आ गई। अभी सबको हमें लगाना है। आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन प्रेस कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली सब वीडियो आपको मिल जाए ठीक है फ्रेंड्स। मैं आपको ऐसे बेसिक बेसिक चीजें सिखाता रहता हूँ ठीक है। अभी आगे बढ़ते फ्रेंड्स, अभी मैं क्या करता हूँ वीडियो रोक देता हूँ थोड़ी देर के लिए और मैं ये सब शेप को लगा देता हूँ ताकि आपका वर्क ज्यादा मतलब खराब ना हो ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखो मैंने सब बड़ा शेप से लगा दिया है और ये जो बीच में जो जगह थी उसमें सिर्फ कॉपी किया है बस एक दूसरे के ऊपर, और अलग अलग टेक्सचर और डाउनलोड करके मैंने उसके ऊपर दिया है ठीक है फ्रेंड्स। आपको कुछ नजर नया नजर आया होगा ठीक है। अभी मैं ये शेप एक स्टेज पे लगाऊंगा, मैंने स्टेज तैयार करके लिया है ठीक है। ये देखो आपका वर्क बच सके ठीक है फ्रेंड्स। आप तो ये भी बना सकते हो स्टेज, और ये कर्टन मैंने पहले ही बनाया लिया था ठीक है। आपको अगर आपको कर्टन ये मालूम नहीं कैसे बनाते तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वो आप उधर से देख सकते हैं। मैंने पिछले एक वीडियो में बना चुका हूँ ये ठीक है फ्रेंड्स। बराबर सेंटर में रखेंगे और ये दो बलून मैंने कॉपी करके बस इसको लाइन से मैंने लाइन निकाली है और उसको स्वीप कमांड दिए बस, बाकी कुछ नहीं किया है ठीक है फ्रेंड्स।
बराबर सेंटर में लगाएंगे। इसको थोड़ा साइड में ले लेंगे। उसको क्या करना है, मिरर कमांड करेंगे, जेड एक्सेस कॉपी करेंगे, ओके करेंगे, बस इसको ऐसे लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखो ये गार्ड कैसी बनती है वो आपको दिखाता हूँ मैं अभी। ठीक है फ्रेंड्स, वो दिखा नहीं शायद आपको। अभी मैं क्या करता हूँ, फ्रंट व्यू में जाता हूँ, जेड एक लाइन कमांड लेता हूं मैं, बस ऐसे कुछ मैंने कर लिया। बाद में आप उसको स्मूथ कर सकते हो, ऐसे सब पॉइंट सिलेक्ट कर दो और इसको फिलेट करना है हमें। ठीक है फ्रेंड्स, इसको क्या करेंगे अभी, एल प्रेस करना है लेथ कमांड। ठीक है, इसको एक्सिस देंगे, वापस लाइन कमांड में देखेंगे, फ्रंट व्यू में जाना पड़ेगा। ऐसे शेप बना लो आप भी। ठीक है, लाइन कमांड से बाद में आप क्या करोगे, वर्टेक्स को थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। एल प्रेस करो लेथ कमांड के लिए, आपको इधर एक्सिस में जाना है। अगर आपको और कुछ अलग चाहिए तो वर्टेक्स को एडजस्ट करो। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखो मैंने कुछ ऐसे ही बनाया था। अगर आपको और टेढ़ा चाहिए तो क्या करोगे, मॉडिफाई लिस्ट में जाओ, एफ प्रेस करो, एफ एफ डी 3x3, इसको ऑन करो, फ्रंट में जाओ और इसको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा, ये देखो ऐसे कुछ हो जाता है वो। ठीक है, ये देखो बन गई गाट। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने ऐसे कुछ बनाया था। ठीक है, और इसके ऊपर देखो लगाया था और टेक्सचर भी ऐसा ही दे दिया। इसको मैं कॉपी करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और रोटेट करूंगा, इसको भी मैं क्या करूंगा, मिरर कमांड करूंगा वाई एक्सिस की तरफ। ये देखो वाई एक्सिस मतलब उसके सामने आ जाएगा। ये देखो आपने, आपको मेरी बेसिक कमांड देखनी है तो आप मेरे पहले की वीडियो देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें शॉर्टकट की भी बता चुका हूं मैं। इसमें देखो ठीक है फ्रेंड्स, इसको ग्रुप कर लो आप पहले, ये देखो, फिर आप बाद में इधर रख सकते हो। शिफ्ट प्रेस करो, ये देखो। ठीक है फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड्स हमारी एक कमांड रह गई, वेव कमांड में बता रहा हूँ, मतलब वेव मतलब जो वेव वाले कर्टन रहते हैं, जो हाफ सर्कल, वो बता रहा हूँ मैं। पहले क्या करता हूँ, मैं एक प्लेन लेता हूँ,
पहले साइड में बना लेता हूँ, फिर बाद में इस इधर हम रख सकते हैं। इसको क्या करेंगे, हम रोटेट करेंगे। हाइट कम करेंगे, सेगमेंट देता हूँ मैं 80-80। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करना है, हमें मॉडी पॉलिश में जाना है, डब्ल्यू प्रेस करना है, वेव कमांड। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखो दिख रहा है अभी बराबर। आप इसको भी कर्टन ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, लेकिन कर्टन की कमांड अलग है। आप चाहे तो मेरे पहले के वीडियो देख सकते हैं, उसमें कर्टन कमांड बताई गई है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसमें वाइन कमांड भी बताई गई है, ये एनिमेशन की तरह वो दिखता है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी इसको हम क्या करेंगे, अभी रोटेट करेंगे ऐसे और स्केल करेंगे, सॉरी ऐसे दबाएंगे जेड एक्सेस से। अभी क्या करना है, हमें मॉडिफाइज में जाना है, एफ प्रेस करना है, FFD3 वाला लेना है और इसको ऑन करेंगे, ऐसे क्लिक करना है हमें, ऐसे दिखना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो भी अभी कमांड अपनी ऑन रहेगी। ये पॉइंट और ये पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ मैं, मूव कमांड प्रेस करता हूँ, ये देखो वापिस ये और ये वाले, ठीक है, सेंटर वाली नहीं फ्रेंड्स, ये देखो बन जाना अपना कर्टन बराबर। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसके ऊपर भी टेक्सचर दे देता हूँ, ये वाला देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बस हमें इधर लगाना है। ये छोटा लग रहा है तो आसानी से इसको स्केल कर देंगे, बस ये देखो। बस इधर लगाना है आपको, थोड़ा सा कम करेंगे, बस इसको हमें कॉपी करना है, बस दो बार करना है। ओके, ये बाहर चला गया तो क्या करेंगे, इसको तीनों को सिलेक्ट करेंगे, स्केल करना है बस। इसको क्या हम नीचे लाएंगे, जो हैप्पी बर्थडे जो लिखा है उसको भी हम नीचे लाएंगे ताकि वो बराबर दिख सके। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखो अभी बराबर लग रहा है। ठीक है, आपके प्रैक्टिस के ऊपर है फ्रेंड्स, जितना आप प्रैक्टिस करोगे आप उतना जल्दी बना सकोगे। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी ये हैप्पी बर्थडे मैंने टेक्स्ट से बनाया है, ये तो बहुत इजी है। देखो टेक्स्ट से इधर देखो, आप जो भी टाइप करोगे उधर क्लिक करके आ जाएगा, ये देखो। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको ठीक कैसे देना है, मतलब शायद कैसे बनाना है, उसको सिर्फ एक्सट्रूड करना है, बाकी कुछ नहीं ज्यादा। ये प्रेस करो एक्सट्रूड, ये देखो, तो आप बाद में उसको अमाउंट बढ़ा दो, थिकनेस बढ़ेगा इसका। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके ऊपर टेक्सचर दे दो, मैंने रेड टेक्सचर दे दिया। ठीक है फ्रेंड्स,
इजी इजी मैंने मेथड उसको हाइड कर दिया है ताकि आपका वर्क ज्यादा जा ना पाए। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको क्या बताता हूँ, अभी डायरेक्ट मैं इधर मैं जो कार्टून डाउनलोड किया है मतलब जेपीजी इमेज पीएनजी इमेज इसके ऊपर डायरेक्ट मैं रखता हूँ, तो ऐसा लगेगा उसके ऊपर खड़े है। मैंने रेंडर मारा है वो आपको डायरेक्ट मैं फोटोशॉप में दिखाता हूँ अभी। ठीक है फ्रेंड्स, और रेंडर जो पार्ट है मैं आगे चल के दिखाने वाला हूँ, अभी तो मैं सिर्फ मॉडलिंग दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो मैं फोटोशॉप ओपन करता हूँ अभी, और कर्टन जो कमान आपको देखनी है तो आप मेरे पहले के वीडियो देखो। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं फोटोशॉप ओपन करता हूँ, ये देखो मैंने इसका नॉर्मल रेंडर निकाला था। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इसके ऊपर एक कैरेक्टर रख देता हूँ। ये सब जो दिख रहा है आपको शाइन वगैरह वो सिर्फ रेंडर की वजह से आया है फ्रेंड्स। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जो डाउनलोड किया है वो ले लेता हूँ। किधर गया, ये देखो इधर है फ्रेंड्स। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट खींचता हूँ और ड्रैग करता हूँ फोटोशॉप पे, ये देखो आ गया। याद रहे पीएनजी इमेज ही होना चाहिए, अगर पीएनजी ना रहेगा तो उसके साथ बैकग्राउंड भी आ जाएगा। अभी बैकग्राउंड नहीं दिख रहा है तो देखो ऐसा लग रहा है कि उसके स्टेज के ऊपर खड़ा है वो। ये देखो देखो, कंट्रोल प्रेस करके हम उसको डुप्लीकेट भी ले सकते हैं और इधर रख सकते हैं। मेरे पास एक और एक इमेज है अरे डाउनलोड में, इसका ही सेम ये देखो आ गया, ये भी बहुत अच्छा है एकदम, अभी लग रहा है रियलिस्टिक लग रहा है फ्रेंड्स। अब ऐसे पिछली साइड रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे वो बैठा हुआ ऐसा लग रहा है वो। ठीक है फ्रेंड्स, हैप्पी बर्थडे का स्टेज तैयार हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि मेरे आने वाली सब वीडियो आपको मिल सके। मेरे डिफरेंस में तो पहले से बेसिक से ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलो बाय, थैंक यू।